तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आप ही के यूट्यूब चैनल पाचार्थवन में। तो दोस्तों, मुंबई भाग दौड़ भरी जिंदगी। दोस्तों, मुंबई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लाखों लोग, लाखों बेरोजगार लोग या फिर लाखों लोग अपना बिजनेस लेकर या अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं इस माया नगरी मुंबई में, अपने इस सपनों के शहर में, मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आज आपको बताता हूँ मुंबई का वो बहुत ही बड़ा रहस्य। जी हाँ दोस्तों, मुंबई चोर बाजार शुरू कैसे हुआ, क्या है ये महारहस्य मुंबई चोर बाजार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो मैं आज आपको बताऊंगा इस रहस्य के बारे में। शायद कुछ लोग इसके बारे में जानते हों और जो नहीं जानते वो आज इस वीडियो में मुंबई चोर बाजार के बहुत से रहस्य के बारे में जानेंगे, और उसी कड़ी में एक सबसे बड़ा रहस्य आएगा जिसके बारे में आज आप जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं बने हमारी प्यारी से फैमिली के मेंबर, तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर महीने के लास्ट संडे को आपको यहां पर मिलेगा बम्पर गिफ्ट, वो भी आपके कमेंट के आधार पर। जी हाँ, क्योंकि हम कमेंट को ही पिक कर आपको देते हैं बम्पर गिफ्ट। तो दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं मुंबई चोर बाजार के बारे में कुछ रहस्य आपको। दोस्तों, यदि आप किसी ब्रांडेड चीज को खरीदने के शौकीन हैं, ब्रांडेड चीजें पहनने के शौकीन, अगर आपको कहीं नहीं मिलता है दोस्तों, तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। आपका बजट उतना नहीं है तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर महंगे से महंगे सूज, महंगे से महंगे कपड़े, महंगी से महंगी चीज़ें, हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं, जो आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो घर का हो या आपके किचन का हो या आपके पहनने का हो या आपके चलने का हो या आपके डेली यूज का हो, किसी भी तरह का सामान, हर सामान यहाँ पर आपको मिलता है, वो भी एकदम प्रॉफिटेबल रेट पर। जी हाँ दोस्तों, एकदम सस्ते में। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको उस रहस्य के बारे में, जिस रहस्य का आप लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। जी हाँ दोस्तों, वो रहस्य बहुत बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों वो रहस्य ये है कि ये मुंबई बाजार, मुंबई का चोर बाजार शुरू कैसे हुआ दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे हुई। जी हाँ दोस्तों, एक और रहस्य है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पहले सबसे पहले क्या होता था कि यहाँ पर चीज़ें जो आती थी वो चोरी करके आती थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये चलन बंद होने लगा। अभी यहाँ के लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से चीज़ें लाते हैं जो थोड़ा सा डैमेज हो जाती हैं या फिर किसी तरह से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन चीज़ों को यहाँ के व्यापारी ले आते हैं और इस चोर बाजार यानी डेढ़ गली कमाठीपुरा में बेच देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताता हूँ। दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त फिल्म सिटी में काम करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सिटी गोरेगांव में काम करता रहता है, और दोस्त वो अपने दोस्त को लेकर आता है, बोलता है चलो आज तुम्हें फिल्मों में कुछ काम दिलाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो अपने दोस्त को लेकर फिल्म सिटी गोरेगांव, मुंबई गोरेगांव ईस्ट पहुँचता है और फिल्म सिटी में लेके जाता है, लेकिन बहुत जद्दोहद के बाद भी उसके दोस्त को काम नहीं मिलता है। पूरा दिन इसी इंतज़ार में निकल जाता है कि उसको काम मिलेगा, काम मिलेगा, काम मिलेगा, लेकिन उसे कोई भी रोल या कोई भी काम मिलता नहीं है। दोनों दोस्त मायूस हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसका दूसरा दोस्त सोचता है अब मैं क्या करूँ अपनी जेब खर्च के लिए, आज के खाने के लिए क्या करूँ। तो दोस्तों, वो लोग शूटिंग, जो उसका पहला दोस्त रहता है उसे काम मिला रहता है, शूटिंग खत्म होती है रात के तकरीबन 12 बजे। शूटिंग जब एंड होती है, जी हाँ दोस्तों वाइंड अप होता है, तो उसके थोड़े से पहले उसका दोस्त क्या करता है, किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का सूज उठाता है और उसे लाकर कमाठीपुरा, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर लगती है आप लोगों की शहती चोर बाजार, जी हाँ, जहाँ पर मिलती हैं सस्ती चीज़ें, उसी कमाठीपुरा टेढ़ गली में लाकर सूज को बेच देता है। जी हाँ दोस्तों, तब से
ये बाजार वहाँ पर धीरे धीरे लगना शुरू होती है 1950 से। और दोस्तों ये आज से नहीं, ये 1950 से लगातार लगता रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है, एक से एक चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था जो है हमारा मुंबई चोर बाजार का वो सबसे बड़ा रहस्य। शायद आप लोग, कुछ लोग आप में से जानते हों, जो नहीं जानते थे, जो जानते थे, सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक को ज्वाइन नहीं किया है, नहीं बने हमारी फैमिली के मेंबर, तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिएगा।